नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने ही YouTube चैनल अकाउंट्स गुरु पे। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियोस में बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं। आज हम देखेंगे क्लास 12 का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक कॉन्सेप्ट है जो हम पिछले वीडियोस में भी अपना देखे हैं, पिछले पार्ट में भी देखा है हमने। तो हमने पिछले पार्ट में एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था, आज हम दूसरा एग्जाम्पल उसका सॉल्व करेंगे। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लास्ट तक देखें और आप तक वीडियो टाइमली पहुँचे तो एक बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। तो आइए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये हमारा एक और एग्जाम्पल है, आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। श्रीकांत एंड रमन आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइड टू एडमिट वेंकट इन पार्टनरशिप विथ 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि श्रीकांत और रमन पार्टनर है 3:2 रेशियो में, और वो लोग बोले हैं कि भैया वेंकट को हम पार्टनरशिप में लेंगे 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट से। चलिए ठीक है। वेंकट ब्रिंग्स इन 30,000 एज हिज कैपिटल। वेंकट लेके आया 30,000 अपने कैपिटल के लिए। ही ऑल्सो प्रॉमिस टू ब्रिंग इन द नेसेसरी अमाउंट फॉर इस शेयर ऑफ गुडविल। चलिए वो नेसेसरी अमाउंट भी लेके आएगा गुडविल के लिए, लिख दिया है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन द गुडविल हैज बिन वैल्यूड एट 24,000। चलिए जिस दिन एडमिशन हम लिए उस दिन का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी दिया हुआ 24,000। द गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपियर्स इन द बुक्स एट 12,000। गुडविल जो है वो पहले से बुक्स में अपियर हो रहा है 12,000 पे, किसी रीजन से हो रहा होगा या कोई और। वेंकट ब्रिंग इन द नेसेसरी अमाउंट फॉर इज शेयर्स ऑफ गुडविल। वो नेसेसरी अमाउंट अपने शेयर्स ऑफ गुडविल का ले आएगा और एग्री दैट द एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट बी रिटर्न ऑफ, और एग्री है कि एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ करना है। तो हमें इसको अब जर्नलाइज करना है, रिकॉर्ड दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आप वीडियो पॉज कीजिए, ये क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो भी 6 to 8 marks में। इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है, आइए अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। आइए सॉल्यूशन एग्जाम्पल टू का, सॉल्यूशन एग्जाम्पल टू का। चलिए हमें जर्नल एंट्री पास करना है। मैं अब यहाँ पे फॉर्मेट आपको नहीं बना के दे रहा, आप फॉर्मेट अपने बना सकते हैं, मैं सिर्फ जर्नल एंट्री पास करके आपको दिखा रहा हूँ। वो कैपिटल लेके आया था, कैश अकाउंट डेबिट टू वेंकट, कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, कैपिटल अकाउंट में 30,000 और 24,000 बुक्स में अपीयर हो रहा है गुडविल, और उसका शेयर है 1/3। तो मतलब उसका गुडविल कितना हो जाएगा, टू गुडविल अकाउंट, गुडविल के लिए वो कितना लेके आएगा, 8,000 लेके आएगा। कैसे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 24,000 उसका 1/3 शेयर था, तो 1/3 करेंगे तो 8,000 आएगा। नरेशन आप अब अपने लिख सकते हैं, इसलिए मैं नरेशन नहीं लिख रहा, आपको भी अपने से कुछ मेहनत करनी होगी, जहाँ डाउट हो वहाँ आप बताइए, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा। पहला एंट्री हो गया। अब गुडविल को पार्टनर्स में, पार्टनर्स द सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट टू श्रीकांत अकाउंट टू रमन कैपिटल अकाउंट। चलिए किस रेशियो में बांटेंगे, क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है और ना कुछ बताया है, तो हम एज्यूम कर देंगे कि हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:2 ही है, तो उसी रेशियो में हम इसे बांट देंगे। 8,000 कैलकुलेट कीजिए, ये आएगा हमारा 4,800 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3,200।
नरेशन और ये 4800 3200 कैसे आया, 3:2। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3:2, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को एज्यूम किए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम एज्यूम किए हैं कि 3:2 जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उन्हीं रेशियो में वो गुडविल को भी ले जाएंगे। अब जो हमारे पास में बुक्स में ये 12,000 का जो गुडविल दिखा रहा है, इसे भी यहाँ पे बोला है कि एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ करना है। तो आइए राइट ऑफ कर देते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर में, मतलब जो पहले से पार्टनर है उसमें, श्रीकांत अकाउंट डेबिट, रमन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, दैट इज 12,000 का है तो ये 7,200 हो जाएगा, ये 4,800 हो जाएगा। बी गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग इन बुक्स रिटर्न ऑफ इन दी ओल्ड रेशियो। ये कर लिए हम, यहाँ पे एक नोट देना चाहे तो नोट दे सकते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो को हम ओल्ड रेशियो, मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों लिए हैं, वो भी हम नोट में यहाँ लिख सकते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। तो आइए अब हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं, ये टॉपिक में बस इतना ही। हमारा अब अगला टॉपिक है जो है रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड क्या है, आइए अब हम इसे जानते हैं, इसे समझते हैं। तो रिवैल्यूएशन मेथड क्या है, आइए लिखते हैं हम पहले। दिस मेथड इज फॉलोड व्हेन द न्यू पार्टनर does not bring in his share of goodwill in cash। कैश में जब वो अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाएगा तो हम रीवैल्यूएशन मेथड अप्लाई करेंगे। ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, दी गुडविल अकाउंट इज रेस्ट इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट बाई क्रेडिटिंग दी ओल्ड पार्टनर इन दी ओल्ड प्रॉफिट इन दी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन गुडविल अकाउंट इज टू बी रेस्ट इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट
देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, पहला नो गुडविल appears in books at the time of admission. दूसरा goodwill already exists in books at the टाइम ऑफ एडमिशन एडमिशन चलिए ये राम गाथा हमने लिखा, चलिए लिख लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हमने लिखा इसका कुछ मतलब होना चाहिए ना। हमें समझ में नहीं आया इसका मतलब, भैया इसका मतलब क्या होता है? चलिए तो हम समझाते हैं इनको, थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। और हम अपना पहला मेथड अब लेते हैं। आइए, ये रहा, हमने अभी बोला था कि दो पॉसिबिलिटीज हो सकती। पहला पॉसिबिलिटीज क्या था? व्हेन नो गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स। चलिए पहला पॉसिबिलिटीज ये था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारा गुडविल एग्जिस्ट नहीं करेगा बुक्स में, तो हम क्या करेंगे? दी गुडविल अकाउंट मस्ट बी रेस्ट एट इट्स फुल वैल्यू में गुडविल अकाउंट को रेस कर देंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कैसे करेंगे? दिस कैन बी डन बाय डेबिटिंग गुडविल अकाउंट विथ इट्स फुल वैल्यू। दिस कैन बी फुल वैल्यू एंड क्रेडिटिंग द ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, PSR। तो क्या एंट्री पास होगा हमारा? एंट्री हमारा पास हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट, हमने रेज कर दिया, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल रेज एट फुल वैल्यू इन ओल्ड रेशियो। ये एंट्री हम पास करेंगे। और जो ये गुडविल जो रेज हुआ है, ये हमारा शो करेगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेगा। आइए अब हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। मैं एग्जांपल पहले नोट डाउन कर लेता, फिर आप, चलिए मैं साथ साथ ही नोट डाउन करवाता हूँ, इजी रहेगा। X and Y are partner in a firm sharing profit losses in the
रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट जेड, इसको जेड को डिसाइड किया इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीस 30,000। चलिए ठीक है। जेड ब्रिंग्स इन रुपीस 16,000 एज हिज कैपिटल। ठीक है, कैपिटल मिल गया है, बट इज नॉट इन अ पोजिशन टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर हिज शेयर्स ऑफ गुडविल। नो गुडविल एग्जिस्ट इन बुक्स ऑफ द फर्म, मतलब फर्म के बुक्स में गुडविल नहीं शो कर रहा है। गुडविल अकाउंट इज टू बी रेस्ट एट फुल वैल्यू पास एंट्रीज। ये है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन आप समझ गए। आइए अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन। क्वेश्चन आप आराम से देखिए, अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। आप क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले वो लेके आया है 30,000, ये तो गुडविल वैल्यूड हुआ है 30,000 में, और वो लेके आया 16,000 ऐसे कैपिटल। चलिए, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 16,000 बीइंग अमाउंट व्हाट एज कैपिटल। गुडविल है 30,000 का, इसको राइट ऑफ कर देंगे हम ओल्ड रेशियो में, रेज कर देंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, गुडविल रेज एट फुल वैल्यू इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। तो गुडविल हमारा है 30,000, ये आ जाएगा एक्स के में 18,000, ये आ जाएगा 12,000। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि जो गुडविल है हमारा वो बैलेंस शीट में अब शो करेगा 30,000 में। ठीक है, तो ये हुआ फ्रेंड्स हमारा व्हेन नो गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स। अगर गुडविल एग्जिस्ट नहीं करता बुक्स में तो हम कैसे शो करें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो पे। उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स को ट्रीट हम कैसे करें। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं, ये एग्जाम्पल जो दिया है, ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चन के टाइप में, और ये टोटल 4 मार्क्स का आता है। हमें सिर्फ 2 एंट्री पास करनी होती है, 2 एंट्री में 4 मार्क्स, मतलब पर एंट्री 2 मार्क्स, कितना बेनिफिट है ना। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। सीखते रहें, सिखाते रहें, स्टे होम स्टे ट्यून, और फिर मुस्कुराए गए। थैंक यू।